कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना विनम्रता का प्रतीक है। वेदों में अनेक प्रार्थनाएं निहित हैं। जब भी ईश्वर की चरण शरण में जाएं, उनसे अभयता मांगें, मात्र शब्दों का खेल न खेलें, क्योंकि वह हमारे मन के भाव कुभाव को भलीभांति जानता और समझता है। प्रार्थना यदि मन से की जाए तो परमेश्वर हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं, परंतु अक्सर हमारी प्रार्थना तब अपना पूरा असर नहीं डाल पाती है जब उसमें भाव और पूर्ण निष्ठा की कमी होती है। प्रार्थना में भाषा का उतना महत्व नहीं है जितना भाव का। प्रार्थना के साथ साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा भी अवश्य करते हैं, तब जाकर बात बनती है। प्रार्थना में मन मस्तिष्क की एकाग्रता के साथ साथ समर्पण का भी विशेष महत्व है। सच्ची प्रार्थना वही कर पाते हैं जिनका हृदय मंदिर पवित्र होता है, क्योंकि परमात्मा का निवास निर्मल मन में ही होता है। अंदर ना ही निर्मल, फिर नहा वे बाहर। छल कपट से जो दूर है, यो समझे कि वे परमात्मा के करीब हैं। प्रार्थना वस्तुतः प्रेमोपासना की सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर चिरहरण के समय उनकी लाज रखी। ये भक्तों की आर्त पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। जो सच्चा भक्त है उसकी प्रार्थना सदैव यही रहती है कि हे प्रभु, मैं आपके ध्यान में हमेशा बना रहूं, आपकी कृपा हमेशा चाहिए, क्योंकि आप कृपा साध्य हैं, पुरुषार्थ साध्य नहीं। आप इंद्रियातीत हैं, कमी हमारी पुकार में है, आपके दिन में नहीं, आपके दिन में कदापि नहीं। जब जीव का यह भाव उस ब्रह्म के प्रति होता है तो उसे वह सब कुछ मिलता है जिसे वह चाहता है। प्रार्थना के समय विचारों में गिरावट ना आने दे, क्योंकि अच्छे विचारों से ही प्रार्थना को बल मिलता है। इस क्षणभंगुर संसार में जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हुए नित्य प्रभु की प्रार्थना करता है, जब भी कुछ याचना करनी हो, हाथ उस एक मालिक के सामने ही फैलाइए, क्योंकि उसकी प्रार्थना से जीवन पवित्र होता है। उसकी कृपा से हमारे पाप, हमारी दृष्टिवृत्तियाँ नष्ट होती है। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलबैरी ना हरे, वड़ी गया काम सड़ाड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। प्रणाम।